Hey guys, welcome back to a new podcast. So as you people know, I do podcasts with a lot of different people from a lot of different backgrounds. आज मैं एक पॉडकास्ट करने वाला हूँ विद अ टीचर, शी इज़ लुबना शेख. एंड आज ये पॉडकास्ट में हम सोली एक टीचर का पर्सपेक्टिव जानेंगे कि कोविड में ट्रांजिशन जो ऑफलाइन टू ऑनलाइन ट्रांजिशन हुआ था, सो हम उस चीज़ पे ऊपर बात करने वाले हैं आज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुमानी, वेलकम टू माई पॉडकास्ट. मैं मुमानी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम मतलब मुस्लिम्स मामी को मुमानी बोलते हैं. सो मैं अगर मुमानी से इनको एड्रेस करूँगा तो प्लीज़ डोंट टेक इट लाइक समथिंग एल्स. सो आप टीचर है राइट? सो आपने कौन से स्टैंडर्ड्स को पढ़ाया है? I have taught from 5th standard to F5 and so different subjects. जो आपका experience था, like you also taught to F5 and आपने 5th standard को भी पढ़ाया, तो students का difference कैसा आता है? See, I will say one thing, a teacher is a teacher. उसके लिए students वो भले 5th में हो या F5 में हो, और मतलब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. और मुझे ये लगता है कि अगर टीचर है और वो पढ़ा सकती है तो वो कोई भी बच्चे को पढ़ा सकती है, फिर वो 5th में हो या F5 में हो. एंड हैंडलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती? हैंडलिंग में डिफरेंस रहता है क्योंकि बड़े जैसे बच्चे हो जाते हैं वो, मतलब उनको अपने आप अपने को कंट्रोल करने को आता है, पर छोटे बच्चे हैं, मासूम होते हैं, उनको हमको हैंडल करना पड़ता है. जस्ट दैट इज़ द डिफरेंस. एंड आई सीन दिस, यू नो, आई सीन अ लॉट ऑफ सीरीज एंड टीवी में भी दिखाते हैं दैट बाहर ऐसा होता है कि जो बड़े बच्चे होते हैं उनको और ज़्यादा केयर के साथ हैंडल करना पड़ता है, बिकॉज यू नो दे आर इन दैट स्टेज ऑफ माइंड राइट नाउ कि वो आपको सुनेंगे नहीं. हाँ. वो इम्पल्सिव हो जाते हैं, राइट? सो उस चीज़ के बारे में व्हाट डू यू थिंक? यू नो व्हाट इट इज़ ना, कि बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे छोटे बच्चे होते हैं, उनको कैसा होता है कि वो अभी भी एक माइंडसेट में होता है कि टीचर डांटेगी तो डर जाते हैं वो, उनको एक डर होता है, टीचर का डर होता है. और यू नो वो एक बोल सकते हैं कि अपने इतना सोच नहीं सकते कि अगर अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो क्या होगा. पर बड़े बच्चे जो होते हैं ना, दे आर लिटिल बिट रिबेलियस, सो उनको ऐसा होता है कि क्या कर लेगी टीचर, क्या कर लेगी अगर हम अगर यू नो नहीं सुनते हैं, नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा. यू नो दे कैन थिंक एट दैट पर्सपेक्टिव, बट स्मॉल चिल्ड्रन दे डू नॉट थिंक ऑन दैट पर्सपेक्टिव. सो यहाँ पर क्या हो जाता है कि एक यू नो ये पर्सपेक्टिव डिफरेंस होने की वजह से हमको खास ध्यान देना, और कैसा होता है कि हार्मोन्स चेंज होते हैं जब एक टीन एज लग जाता है, बच्चे जो होते हैं वो एक अदर वे ऑफ थिंकिंग उनका थोड़ा सा स्टार्ट हो जाता है. और छोटे बच्चे जो होते हैं उनका एक वो स्ट्रेट माइंडसेट होता है, बस हमको पढ़ना है, खेलना है, खाना है, सोना है, तो वो उसके अलावा वो नहीं सोचते. जब अगर एक टीन एज में आ जाते हैं, देर आर वेरी डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ, वॉट दे आर सींग, दे वॉन्ट टू लर्न, दे वॉन्ट टू एक्सप्लोर मोर थिंग्स. सो एट दिस फेज ये हो जाता है कि हमें, हाँ, बट ऑब्वियसली ये जो टीन एजर्स होते हैं या यू नो व्हेन द स्टूडेंट्स आर गोइंग फ्रॉम 7th स्टैंडर्ड या 8th स्टैंडर्ड, ये जो बच्चे होते हैं इनको थोड़ा केयर करना पड़ता है. हम एकदम भी प्यार से नहीं ले सकते ना, एकदम ही हम एकदम गुस्से से ले सकते, तो यू नो वी हैव टू हैव बैलेंस समवेयर वेयर वी कैन यू नो कुछ तो है किया, वी कैन कम्युनिकेट. एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग आई लाइक टू से दैट एट दिस फेज चिल्ड्रन वॉन्ट टू शेयर समथिंग टू यू, ओके? सो अ टीचर आई फील एट दैट फेज ऑफ टाइम शुड बी मोर लाइक अ फ्रेंड दैन अ टीचर, यू नो, बिकॉज कितनी बार ऐसा होता है कि बच्चे पेरेंट्स को नहीं बोल पाते हैं जो एक शायद टीचर को बोल पाए. तो आई थिंक दैट देर इज अ डिफरेंस, यस, इन हैंडलिंग चिल्ड्रन वेन दे आर इन लोअर स्टैंडर्ड एंड इन हायर स्टैंडर्ड. So what according to you, what according to you is your favorite age group of handling students? I mean, if you are in your, right now you're handling 5th standard kids, हाँ, right? Yes. So what was your favorite part? I mean 5th standard or F5 वाला बच्चे? No, not like that, any favoritism, because you know what it is, हर एक बच्चे का, हर एक standard का, हर एक अपना age का, you know, एक there is specialization in you know a special thing in every age group. Exactly. You know when we are teaching a 5th standard to you know 7th standard children, ये अभी भी छोटे ही होते हैं, उनका माइंडसेट छोटा होता है, तो यू नो हम वहाँ पर अपना एक बचपन ये कर सकते हैं, हम हमारा बचपन इन्जॉय कर सकते हैं उनके साथ में. हम वहाँ पर एक यू नो एक हम यू नो वॉट वी यूज़ टू फील एट दैट एज, हम वो फिर से रिलीव कर सकते हैं. देन कमिंग बैक फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड, दिस फेज इज़ डिफरेंट. यहाँ पर ये बच्चे अभी यू नो थोड़ा बहुत चेंजेस इनमें आने चालू हो जाता है, देर आर हार्मोनल चेंज एट दिस स्टेज, ओके, दे आर एंटरिंग टीन एज,
सो यहाँ पर हमारा जो एक टीनेज है हम उस नज़रिए से देखते हैं और हम उस नज़रिए से फिर हम यू नो वी ट्राई टू ब्लेंड विद देम ओके. और फिर उसके बाद मैं जब कॉलेज लेवल सो इट इज़ वेरी डिफरेंट. सो देर इज नो स्पेशली आई विल नॉट से दैट आई हैव अ स्पेशल ग्रुप ऑफ एज ऑफ स्टूडेंट नो नॉट लाइक दैट बट आई ट्राई टू ब्लेंड विद एवरीथिंग यू नो इन एवरी ग्रुप. सो मे बी लाइक यू नो मैंने ना और भी लोगों से बात की है और भी टीचर्स उनसे बात की है एंड दे हैव लाइक अ फेवरेट टाइप एंड आई ऑलवेज थिंक कि नहीं अगर टीचर है तो इनको सब स्टूडेंट को इक्वली रखना होता है. हाँ वो एक हमें होना चाहिए कि यू नो इट इज एक्चुअली इट इज डिपेंडिंग ऑन द वे हाउ यू लुक एट द स्टूडेंट राइट ओके. अगर हम स्पेसिफिकली यही एक मेंटालिटी ये कर देते हैं कि यार ये छोटे बच्चे हैं हैंडलिंग होते हैं इनको यू नो यो दे उनको बहुत दिमाग ये होता है हमारा दिमाग बहुत खाते हैं ये सब तो वो एक बट ऑब्वियसली वो टीचर के दिमाग में आ जाएगा कि ये बड़े बच्चे हैं बहुत अच्छे हैं चलो ठीक है. नहीं पर सभी का अपना अपना एक यू नो पार्ट होता है जहाँ पर एज यू नो वन थॉट इट इज दैट ना कॉइन हैज अ टू साइड्स सेम वे. सो यू नो एवरी स्टूडेंट इज हैज हैविंग अ टू साइड. सो हमको एंड कमिंग टू आर मेन पॉइंट टुडे आज हम बात करने वाले ट्रांजिशन फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन कॉलेज ऑनलाइन स्कूलिंग. सो अकॉर्डिंग लाइक हमें स्टूडेंट्स का पर्सपेक्टिव पता है क्योंकि आई एम ऑल्सो स्टूडेंट बट आई वॉन्ट टू नो टीचर्स का पर्सपेक्टिव कैसा था उस चीज़ के बारे में. हाउ वॉज देयर एक्सपीरियंस फ्रॉम यू नो ट्रांजिशनिंग फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन टीचिंग. वेरी फर्स्ट थिंग वेट आई विल से इज दैट सी नाउ वी वॉट वी हैड स्टडीड एंड द वे वॉट हाउ वी स्टडीड वॉज यू नो यू कैन से इट वॉज वेरी डिफरेंट लाइक वॉट you people are learning now. Yeah. I still feel very proud to call myself an old school. Okay, because our learning method, our teachers, what they taught us is very different. And me myself being a teacher, when I compare myself to my teacher, I find you know vast difference in everything. Okay, let me start with offline teaching first of all. Like what our teachers were doing. Okay, हमारा teachers जब हमको teach करते थे it was like totally bookish. मतलब हमको जो भी था it was only stick to the syllabus. Exactly. Whatever you are being taught it was only syllabus. अगर आप हमारे वक्त की books देखोगे they were small books. अभी वो books भी change हो गई है syllabus change हो गया है okay. और syllabus जो चेंज हुआ है अभी का तो उसमें अभी प्रैक्टिकली अभी जो आजकल का जो चीज़ है चल रही है वो ज़्यादा है. हमारे वक्त जो था इट वॉज नॉट लाइक दैट वी नेवर हैड एनीथिंग प्रैक्टिकली दैट टाइम ऑल्सो वॉट वॉज हैपनिंग इन द बुक वी डिड हैव इट बट वॉट इट वॉज नॉट इट वॉज नॉट एक्सप्लेन इन डिटेल लिमिटेड नॉलेज कैन से नॉलेज जो बस उतना बच्चे कह रहे थे हाँ बस उतना ही. आप जैसे हिस्ट्री सब्जेक्ट ले लो या ज्योग्राफी ले लो यू नो या साइंस ले लो. आज मैं जब कंपेयर करती हूँ एक साइंस का हमारे वक्त का टेक्स्ट बुक और आज का जो टेक्स्ट बुक है जो हम 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड का देखते हैं मुझे ये लगता है कि शायद जो बच्चे आज के 8th और 9th के जो पढ़ रहे हैं उनको जो स्टडी है वो हमारे वक्त जब हम 11th 12th में हम जो पढ़ सकते थे वो आज 8th के बच्चों को तो ये बहुत डिफरेंस है बहुत डिफरेंस है. तो ये ऑफलाइन टीचिंग में जैसे मैंने अभी बोला आपको कि बहुत मतलब जो था हमारा टीचिंग वे भी बहुत डिफरेंट हो गया है. सेकेंडली व्हेन आवर टीचर्स यूज्ड टू टीच इट वाज लाइक आई जस्ट टोल्ड यू दे शुड कम अपना बुक ये किया एक्सप्लेन किया एंड दैट वाज द थिंग. नाउ व्हाट इट इज नाउ यू नो हाउ वी टीच ऑफलाइन एंड लाइक यू नो वी आर इंस्ट्रक्टेड वी आर स्पेशली गिवन ट्रेनिंग फॉर इट ओके वी आर स्पेशली गिवन ट्रेनिंग फॉर इट दैट यू शुड नॉट मेक लेक्चर बोरिंग. It should not stick to the perspective of bookish knowledge only. Here, what you have to do is you have to see what the child is thinking. Exactly. It is more based on what they are learning than what we are teaching. Yeah. Okay. So because of that, many activities have been in, you know they have put the in the syllabus activities. अभी ज़्यादा अगर आप देखोगे syllabus जो है activity based है. Yeah. एक्टिविटी बेस्ड होने की वजह से क्या हुआ है कि हमको भी जो है टीचिंग हमारा क्या हुआ है कि इट इज़ कमिंग समवेयर आउट ऑफ द क्लास इट्स इवॉल्विंग यस ओके एंड वी आर लाइक यू नो बच्चों को एक्सप्लोर करने के लिए ज़्यादा दिया जा रहा है और बट ऑब्वियसली उनके साथ में हमें भी वो ये करना पड़ता है. सो यू आर वॉट इट इज़ ना दैट दिस इज़ वॉट इज़
the difference what is there in offline teaching now and back when we had been learning. Coming to my offline teaching again, it was my experience, if I say, it is like I just told you, like being a teacher also, there is no full stop for learning. Yeah. ओके, इट इज़ नॉट दैट अरे टीचर है, पढ़ लिया है, बहुत हो गया फिनिश इसका, ऐसा नहीं है. हम भी हर रोज़ नया नया कुछ ना कुछ सीखते हैं. और आई विल से वन थिंग, आई एम सो लकी दैट कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो हमने नहीं सीखा, हम यू नो जो हम नहीं सिखा सकते, हमें एक बच्चा सिखा देता है. यू नो इट इज़ समवेयर यू नो मैनी अभी जो जनरेशन है नाउ, यू कैन से दे आर सो 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 एडवांस जनरेशन, यू कैन से दे आर सो क्लेवर एंड दे लाइक टू यू कैन से कि उनको कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना बहुत अच्छा लगता है. क्यूरियोसिटी इज वन वर्ड यू कैन से दैट विच हेल्प्स देम टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स. एंड नॉट ओनली दैट, दे आर नॉट ओनली एक्सप्लोरिंग इट एंड दे आर हेल्पिंग अस टू डू द सेम थिंग. एज आई सेड, वी आर स्टिल ओल्ड स्कूल. What our perspective was like, you know, a book है, बस बुक का पढ़ा, ये हो गया, but that was. अभी के बच्चे ऐसे हैं कि you know they want, हमसे पहला they are like you know ready with what teacher is going to teach. And it is like you know we should be thankful to digital media. Yeah. You can say or the basically what all gadgets what you people are getting right now. Okay. Secondly, all this social media, what social it is media. There, like Facebook is there, yeah. YouTube is there, and many different things are there where they are getting the knowledge from. So, like you know, when we are teaching in a class, it's like you know the children what they give us and what we are explaining. So it's a good experience, yeah. Like you know, very good experience, and I can say here that you know. But as I said, the teacher is a teacher. वो उसका तो part है कि वो जो बच्चा है वो जो बोल रहा है उसका भी सुन के ले, अपना भी सुनाए. और हमको एक ही हमारा एक मकसद होता है कि जो भी हम सिखाए ऐसा सिखाए कि वो बच्चा अपना यू नो afterwards also he should remember that. Exactly. So this is what is about offline teaching. Now coming back to online teaching, okay, it was not very easy for us teachers. Yeah. Very 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 tough phases it was, because as I always say, and I'm really repeating this word, this old school word, is because we were you know, as I said, we were having totally bookish knowledge. Yeah. हमको आप book को आप बोलो, हम book में से आपको सब चीज़ in a minute we will show it to you. But if you give a tab in my hand or if you give a mobile in my hand, of and course. If you say that you know mommy you just give me this, I will be like अरे ये क्या है. That'll be something new to me. New to me, and secondly, no doubt it will be new to me. But you know, it will. I will take a little bit time for me. You know, it will take a little bit more time for me rather than taking. If compared to you people, exactly. Okay, हमको सीखने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि हम उतना you know gadgets active नहीं है. Active नहीं है. हम इतना internet savvy नहीं है. Right. तो यहाँ पर हमारे लिए क्या हुआ था कि जब हमको online teaching तो जब हमको बोला गया था कि henceforth जब स्कूल्स बंद हो जाएगा या कोई अलाउड नहीं है जाने के लिए, स्कूल्स में अलाउड नहीं है, नाउ टोटली इट विल बी ऑनलाइन. व्हाट यू पीपल हैव टू डू इज ऑनलाइन. फाइन, ऑनलाइन, बट ऑनलाइन भी है तो किस तरह हम करेंगे, क्या होगा. सो इसके लिए हमको ट्रेनिंग दी गई थी, बाकायदा हमको ट्रेनिंग भी दी जाती है इस चीज़ की, बिकॉज हमको कोई नॉलेज नहीं था. नाउ इफ़ यू सी ना ऑनलाइन ऑल्सो देर आर डिफरेंट एप्स व्हाट स्कूल्स आर ऑप्टिंग फॉर, लाइक गूगल, दैट गूगल मीट इज देयर, जूम इज देयर, ओके, स्काइप इज देयर. नाउ व्हाट आवर स्कूल इज ऑप्टिंग इज फॉर माइक्रोसॉफ्ट टीम, ओके, दैट्स द बेस्ट वर्जन आई कैन से. So here this team app is also there where you know very different functions are there, जो app के अंदर ही function है वो. तो हमें उससे सिखाया गया था, हमें सिखाया गया था कि आप किस तरह operate करेंगे, हमको training दी गई थी. और you can say हाँ हाँ ठीक है, हमने वो भी learn किया. पर यहाँ पर मुझे ये लगता है कि you know हम कितना भी यू नो एक बोलते हैं ना कि एक लर्निंग किसी की छुट्टी नहीं है. Exactly. वो मरने दम तक का कोई नहीं एक यू नो आप लर्न करते ही रहते हो. तो यहाँ पर हमें ये था कि हमारे बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए. Right. हमारे बच्चों को जितना हम बेस्ट, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, हर एक टीचर, मैं मेरी बात नहीं करूँगी यहाँ पर, हमारे हर एक टीचर्स का एक ही मोटिव होता था कि हम हमारा बेस्ट दें. Yeah.
सो वी वर लाइक यू नो जो भी हमें सिखाया जा रहा था हम वो यू नो वी वर लर्निंग बीइंग एन ओल्ड स्कूल आल्सो वी वर लर्निंग वी वर गेटिंग अवर सेल्फ अपडेटेड yes I can say here now we are updated model exactly. We can say we can be called as an updated teachers right here yeah. So yes we were getting updated and you can say that yes we were learning about it but there is a vast difference I can say what is you know there in teaching offline and teaching online mm-hmm. very much vast difference is there yeah. The basic thing is that you know when we are ऑनलाइन यू नो और हम जब ऑफलाइन होते हैं ऑफलाइन का ये फ़ायदा होता है कि आप पर्टिकुलरली स्टूडेंट को मॉनिटर कर सकते हैं हम मॉनिटर कर सकते हैं और क्या होता है कि बच्चे सुबह से हमारे पास होते हैं इफ़ यू सी यू नो मैनी आई कैन वन थिंग से टू यू पीपल कि शायद जितने आपके पेरेंट्स आपको अच्छे से नहीं जानते होंगे उतना टीचर्स अच्छे से जानते हैं क्यों क्योंकि आधा दिन बच्चा हमारे पास होता है आधी लाइफ उसकी बच्चा हमारे पास में होता है तो हम आपके बच्चे को जितना अच्छे से जान सकते हैं उतना पेरेंट्स नहीं जानते हम यही हमारे पेरेंट्स को भी बोलते हैं तो यहाँ पर क्या होता था कि हम पर्सनली एक एक बच्चे के ऊपर मॉनिटर कर रहे हमें उसके बैठने से बोलने के ढंग से या यू नो वो स्टडी कैसे कर रहा है उससे हमें उसकी पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता exactly. है और अकॉर्डिंगली वी शुड प्लान आवर टीचिंग ऐसे है कि हम हमारा किस बच्चे पे हमको फोकस करना ज़रूरी है किस बच्चे पे हमें फोकस करना ज़रूरी नहीं है ये बच्चा अपने से कर लेगा ये हमें उस वक्त ज़्यादा क्लियर था अगेन हम ऑफलाइन जब टीच कर सकते थे तो हमारे हाथ में बहुत सारे एक्टिविटीज़ जैसे अभी मैंने बोला कि हम बहुत अच्छे से कर सकते थे और यहाँ पर वन टू वन यू नो इन्वॉल्व इंटरेक्शन था इन्वॉल्वमेंट था कि बच्चे भी कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं साथ में कर रहे हैं साथ में सीख रहे हैं साथ में हमें यू नो कुछ नया बच्चे भी बता रहे हैं हम सीख रहे हैं हम सिखा रहे हैं बच्चे लर्न कर रहे हैं तो ये यू नो इट वॉज़ वेरी गुड पार्ट बट अभी यहाँ पर यू कैन से कि ऑनलाइन जब अभी हम आ रहे हैं बेसिकली क्या होता है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ टीचर टू बी कंटिन्यूसली यू नो सभी बच्चे को मॉनिटर करना इम्पॉसिबल होता exactly. है क्योंकि हर एक ऐप का एक लिमिटेशन है right. अब जैसे मैं मेरे ही अगर ऐप की बात करती हूँ मैं जब टीच करती हूँ आई कैन नाउ माई क्लास इज देयर आई एम हैविंग 60 स्टूडेंट्स बट आई कैन नॉट मॉनिटर ऑल 60 स्टूडेंट एट अ टाइम आई कैन ओनली मॉनिटर 8 स्टूडेंट दैट इज विजिबल ऑन माई मोबाइल स्क्रीन दैट्स इट आई कैन ओनली सी दोज मैनी स्टूडेंट्स और यहाँ पर क्या होता है कि बस उतने बच्चे और फिर वन मोर थिंग इज दैट नॉट ऑल स्कूल आर मेकिंग इट कंपल्सरी फॉर द चाइल्ड टू ऑन द कैमरा एंड सिट राइट मैनी ऑफ द स्कूल्स आर देयर वेयर द कैमराज आर ऑफ ओके एंड वी आर टीचिंग सो वी ऑल्सो डोंट नो वॉट इज गोइंग बिहाइंड द कैमरा वेदर अ चाइल्ड इज पेइंग अटेंशन और वेदर इज नॉट पेइंग अटेंशन वी डोंट नो बट हियर ऑन आवर पार्ट वी आर टीचिंग हम हमारे तरफ से तो पूरा बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं पर बच्चा सामने से हमें वहाँ पर सुन रहा है या नहीं सुन रहा है ये हमें यू नो आई हैव ऑब्जर्व वन थिंग दैट यू नो दिस ऑनलाइन जो है मुझे लगता है कहीं ना कहीं बच्चों को आज ये यू नो व्हेन वी हैव अ पीटीए मीटिंग एंड ऑल दैट टाइम पेरेंट्स हमें बोलते हैं कि टीचर जो हमारा बच्चा जब क्लास में ध्यान देता था या यू नो वो ही टू लिसन अभी ऐसा होता है कि यू नो ही इज़ हैविंग दैट ईयरफोन बट उसका ध्यान कहीं और ही है कहीं और ही है बिकॉज यहाँ पर क्लास में जब रहते हैं तो उसे डर रहता है कि टीचर मुझे पकड़ेगी या देख लेगी यहाँ पर उसे कोई डर नहीं है उसे पता है कैमरा ऑफ है टीचर क्या कर लेगी तो यहाँ मैं अगर पीछे बैठ करके अगर मैं मोबाइल पे गेम भी खेल रहा हूँ तो नोबडी इज गोइंग टू कैच मी और इफ आई एम स्लीपिंग ऑल्सो नोबडी इज गोइंग टू कैच मी सो यहाँ पर ये एक डिफरेंस आ गया है कि यहाँ बोल सकते हैं कि हमारे भले हमारे टीचिंग में नहीं पर बच्चों के लर्निंग में ये डिफरेंस आ गया है और हमें भी ये डिफ़िकल्टी होती है क्या होता है कि बच्चे समझ नहीं आज अगर आप अभी ये जो रीसेंट 2 ईयर्स जो बच्चे पास आउट है आप उनको आप उनके ही सिलेबस से आप कुछ पूछ लो ओके हु आर पेइंग अटेंशन दे विल बट ऑब्वियसली आंसर यू बट यू नो हु आर नॉट पेइंग अटेंशन दे विल नेवर बी एबल टू आंसर यू दे विल नेवर बी एबल टू आंसर यू बिकॉज यू आर नॉट पेइंग अटेंशन वेयर एज कम्पेयर टू क्लास अगर आप कर रहे हो बच्चा अगर ध्यान भी नहीं देता है एक दिन नहीं देता है दूसरे दिन जब टीचर आती है टीचर फिर से ब्रशअप करके ही आगे का स्टार्ट करती है
इसीलिए उसे क्या होता है कि हाँ भाई मैंने कल नहीं सुना, चलो आज सुन लेता, कुछ ना कुछ तो उसके दिमाग में रहता है। ऑनलाइन टीचिंग में हमें ब्रशअप करने के लिए भी इतना टाइम नहीं मिलता, बिकॉज वी आर हैविंग दैट लिमिट टाइम स्लॉट्स, टाइम स्लॉट इज देयर एंड यू नो उतने टाइम स्लॉट में हमें रहता है कि हमारा सिलेबस हम कंप्लीट कर ले। सो हमें ये भी है कि भाई हम सिलेबस कंप्लीट करें या कैमरा ऑन करके एक एक को बोले कि भाई आप लोग क्या कर रहे हो दिखाओ, तो वो भी एक हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्टी आ जाती है कि यू नो वी आर इन अ फिक्स दैट वॉट शुड वी डू, शुड वी सी द चाइल्ड वेदर ही इज listening to us or not, or should we go on with our teaching? Yeah. So this is what is, you know, you can say pros and cons of you can say every, as I said that every coin has two sides. Right. So yes, this is, you know, somewhere or the other, that plus point is that you are sitting at home and you are getting education, no problem. But वाकई वो education आपको, you know, मिल रही है या मिल तो रही है पर वो ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं ये बच्चे, वो एक सवाल का, because teachers are doing their best part delivering their content. Yes, and it's totally depending on the student that he's taking it or not. Yes, and like as you said, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जैसे आप old school हो, तो old school में it was just one way teaching, that teacher used to come, he used to open the book and he used to teach you. Okay. अभी ऐसा हो गया कि it's two way thing. Yes, like teacher is also teaching and you also learning something from the students. Yes, yes. And coming to the end of the podcast, I also want to know, what do you think कि किसकी गलती है, ये कोविड की गलती है या ऑनलाइन टीचिंग की गलती है, ये स्टूडेंट की गलती है कि ये पढ़ने में बहुत ज़्यादा डाउन हो जा रहे हैं, या यू नो बिकॉज आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, आई नो कि जो लेवल ऑफ ऑफलाइन टीचिंग थी, ऑनलाइन टीचिंग उससे बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है, ऑल्दो टीचर्स आर गिविंग द बेस्ट, आई टोटली अग्री दैट टीचर्स आर गिविंग द बेस्ट, बट यहाँ पे किसकी गलती हम बोल सकते हैं, लाइक इफ़ वी आर यू नो टारगेटिंग समवन, तो हम किसकी गलती बोल सकते हैं कि कहाँ ये इसकी गलती है, इसके वजह से ये सारी चीज़ें डाउन। मैं यही बोलूँगी कि यहाँ पर गलती किसी की भी नहीं है, गलती हालात की है। yeah. अभी हम ये नहीं बोल सकते कि यू नो पेंडेमिक है इसीलिए यू नो हम लोगों को ये ऑनलाइन, देखिए अगर ऑनलाइन है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी यू नो सभी की है कि हम यू नो वी ऑल्सो यू नो मेक अवर चिल्ड्रन, यू नो हम टीचर्स तो टीच कर रही है, पेरेंट्स कहीं ना कहीं अगर आप बैठ करके बच्चों के साथ में कि नहीं आप भी थोड़ा ध्यान दीजिए या यू नो आप ये करिए कि मॉनिटर करिए कि बच्चा किस तरह ये कर रहा है, देख रहा है नहीं देख रहा है, देखिए अगर बच्चे के ऊपर आप मॉनिटर कर रहे हो उसको यू नो इफ़ यू आर सीइंग, हाँ ये आई विल टेल दैट पेरेंट्स का भी 24 आवर्स वो बच्चे को ध्यान दे ये नहीं पॉसिबल नहीं है, पर जितना हो सकता है आउट ऑफ 100% एटलीस्ट पेरेंट्स कैन गिव दे आर 25%, द चिल्ड्रन विल लर्न 25% ना, वेर दे आर नॉट रिसीविंग एनीथिंग 0%, दे कैन लर्न 25%। अगेन पेंडेमिक आई विल से कि अब है तो वो सिचुएशन को हमको देखना है, हमको उसको फाइट बैक करना है, तो हम यहाँ पर पेंडेमिक का या ये जो कोविड का है हम उसे भी ब्लेम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये हमने जानबूझ करके तो नहीं किया है, इट्स नेचुरल थिंग व्हाट हैज हैपेंड। सो वन थिंग इज दैट आई फील दैट समवेयर नोबडी शुड बी ब्लेम्ड, आई डोंट थिंक नो वी शुड नॉट ब्लेम दैट यू नो द पेंडेमिक सिचुएशन और टीचर्स और पेरेंट्स, यहाँ पर ये है कि बस वी शुड रिमूव अ वे so that you know adapt to whatever is happening right now, that's the nature. Yeah. That's a rule actually. Exactly. If you do not adapt you will die, it's like you know you will be extinct. Yeah. ये एक rule है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी हमको पता नहीं अब स्कूल वाकई कब खुलने वाली है या क्या होने वाली है, तो हम ये बोल करके तो नहीं चल सकते, हम हमेशा तो पेंडेमिक के ऊपर ब्लेम नहीं डाल सकते कि भाई यार पेंडेमिक है, हम ये नहीं कर सकते। सो समवेयर आई फील दैट वी शुड चेंज, एंड यस इफ वी चेंज आई थिंक सो यर इट इज दैट इफ यू चेंज यू आर गोइंग टू चेंज फॉर बेटर, यू नो लाइक यू नो कैटरपिलर इज ऑल्सो चेंजिंग टू अ बटरफ्लाई, सो इट इज नॉट लाइक दैट इजी, it's not that easy, it's a long process it's worth it. So I would really conclude with this only, that yes, if we are being like a caterpillar working hard, yes, but obviously we are going to bloom up to a beautiful butterfly. Of course. So coming to the end of this podcast, I just like wanna, if you want to give any advice to the people who are watching this video, like if any student is watching, and as a teacher if you want to say something to that person,
कि आप ऑनलाइन स्टडीज में कैसे क्या क्या बिहेव कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, बिकॉज आई नो टीचर्स आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड रिगार्डिंग दिस। हां, यहां पर हो जाता है कि क्यों, क्या होता है ना कि भाई हम इतना हमारे तरफ से 110% दे रहे हैं, तो वी एक्सपेक्ट एटलीस्ट 1% फ्रॉम यू पीपल। एग्जैक्टली, we expect 1% from students. See, children, I will say one thing is that it's like, you know, you are thinking that maybe teacher is not seeing you. ओके, टीचर नहीं देख रही है, टीचर को पता नहीं चल रहा है कि यू नो आप कैमरा के पीछे क्या कर रहे हो, यहाँ क्या नहीं कर रहे हो। यहाँ पर नुकसान हमारा नहीं है, हम हमारा जो लर्निंग था, हमारा जो लर्निंग पार्ट था, हमने लर्न कर लिया, हमने वो फेज हमारा जी लिया है। आज समवेयर ऑर द अदर वी आर एट अ डिग्निफाइड पोस्ट, बट यू पीपल आर स्टिल लर्निंग। सो आई फील दैट इवन इफ यू आर यू नो यू फील दैट अरे चलो आई एम चीटिंग द टीचर, टीचर को क्या पता चल रहा है, बट थिंक वन थिंग दैट यू आर चीटिंग योर सेल्फ। ओके, एंड योर यू शुड बी लकी दैट यू नो वेयर यूज टू बी सिक्स आवर्स सिटिंग इन द स्कूल और मे बी 8 hours सिटिंग इन द स्कूल, नाउ अ डेज यू पीपल आर ओनली 2 hours वेर यू हैव टू गिव योर यू नो यू हैव टू सिट फॉर योर स्टडीज। सो आई वुड रियली रिक्वेस्ट एवरी वन दैट वॉट एवर दिस 2 hours इज देयर, what all your teacher is giving, you take that everything, because देखिए teacher को अगर you know अगर हमें भी सिखाना है, भले वो online हो या offline हो, teacher उतना अपना effort डालती है, teacher भी खुद सीखती है तभी वो सिखाती है, she has to do her homework, then only she can teach. So when teacher is doing for you people, I feel that it's your responsibility as a student that you should also somewhere or the other at least 1% give back that thing to the teacher that right. Yes, we are doing our best and we can do it. This is the last part of the podcast. I want to thank you, Mumani, for doing this video with me. Thank you. And I know most of the people jo mere dost ye video dekhne wale hai wo mujhe bahut sunayenge iske baad mein, kyunki I am being a hypocrite, to be very honest, kyunki main khud bhi ye sari cheeze karta hu that camera band kar diya, kya hi pata chalega teacher ko. But guys, I have this person with me, she's very motivated and to be honest she's the most sassy, she's a very sassy Mumani, like ye meri best aunt hai. And she always tells me about her teaching experience and that is very tough. Teachers ko bhi bahut sari cheeze face karni padti hai. I know I'm sounding very hypocrite, but please understand this. Thank you once again, Mumani. Thank you. And also, if you people like this video, put a like on this video. Share this video to people. Share this video to students. Unko dekhna chahiye video. And subscribe to the channel if you people haven't. Subscribe. Thank you so much, Mumani. So this is the end of the podcast. This is Faizan signing off from Faizan Hawa.